गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज थॉट ऑफ द डे, द साइन ऑफ अ ब्यूटीफुल पर्सन इज दैट दे ऑलवेज सी ब्यूटी इन अदर्स। अर्थात इसका मतलब है, एक अच्छे इंसान का संकेत है कि वो हमेशा दूसरों की अच्छाई देखे। मानव जाति की ये प्रवृत्ति होती है बेटा, ये आदत होती है कि लोग अपने अंदर तो बहुत अच्छाई समझते हैं, लेकिन सोचते हैं दूसरे के अंदर उन्हें बुराई ही दिखती है। तो हम तभी महान बन सकते हैं जब हमें दूसरों के अंदर अच्छाई देखने की या उनके अंदर गुण देखने की आदत पड़ेगी। जब हम उनके अंदर गुण देखेंगे तब हमें उनके अवगुणों को नज़रअंदाज कर देंगे। हर इंसान के अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं, अच्छाई और बुराई दोनों होती है, हमारे अंदर भी होते हैं, लेकिन हमें लोगों की अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। ओके, आज का कोड है MPS 80। ओके, आज मैं पढ़ूंगी हम लोग व्याकरण वसुधा नंबर 5 यानी हिंदी सेकंड का चैप्टर 3। ठीक है, मैंने हिंदी फर्स्ट में आप लोगों को सेकंड चैप्टर रीड करवा के समझा दिया था, है ना। उसके क्वेश्चन आंसर बचे हुए थे, मैंने PDF द्वारा आपके पास आज पहुंच जाएगा और इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर पहुंच जाएंगे। दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में राइट कर लीजिएगा, हिंदी फर्स्ट की कॉपी में हिंदी फर्स्ट का काम और हिंदी सेकंड की कॉपी में हिंदी सेकंड का काम। ओके, इसके पहले हमने पढ़ा था पार्ट 2। क्या था पार्ट 2? वर्ण विचार, ये चैप्टर 2। इस क्वेश्चन इस लेसन के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए थे, मैंने फिल करवाया था आप लोग को और घर में करने के लिए दिया था। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने राइट करके आप लोग तक पहुंचा दिया है, कुछ बच्चों ने कॉपी में राइट किया है, मैंने होमवर्क देखा था। जो बच्चे अभी तक भी राइट नहीं किए हैं वो इसे राइट कर लें। आप लेसन वाइज कॉपी में राइट करते जाएंगे तो एक संग आपका काम पेंडिंग नहीं रहेगा। ओके, आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना। सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था भाषा, दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्ण विचार, अब वर्णों को जोड़कर बने शब्द। अब हमारा दूसरा चैप्टर है शब्द रचना, शब्द संरचना। ओके, शब्द कैसे बनते हैं ये देखिए, छोटे छोटे वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनता है। ये सब क्या हैं, छोटे छोटे वर्ण हैं, वर्णों को हम जब आपस में जोड़ेंगे तो एक शब्द का निर्माण होगा। अगर इसको हम भाषा में कहें कि हाँ, इसको परिभाषित रूप में अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वर्णों को आपस में जोड़कर जिसका निर्माण होता है उसे शब्द कहते हैं। लेकिन परिभाषित रूप में अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो हम कहेंगे वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, ये देखिए छोटे छोटे वर्णों को जोड़कर, जैसे ये किताब है, का धन का हलन धन छोटी ई, क्योंकि का में छोटी ई की मात्रा लगती है, वो इसे हम मात्रा को व्यंजन के रूप स्वर के रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि स्वर की जब हम लोग शब्द लिखते हैं तो स्वर डायरेक्ट नहीं लिखते, उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। ये हमने आपको इसके पहले क्लास में भी बताया था। अब ता हलंत प्लस धन बड़ा आ, यानी कि ता में देखिए बड़ा आ की मात्रा है, इसलिए हम इसे बड़ा आ की तरीके लिखेंगे। धन बा हलंत आ, अब इसके पास आ नहीं है, आ नहीं है, लेकिन बा को जब उच्चारण करेंगे तो उच्चारण के स्वरूप हमारे मुख से आ की ध्वनि निकलती है, इसलिए हम इसे आ को राइट करेंगे, तो हमारा बन गया किताब। इसी तरह हमारा बना बागीचा, इसी तरह हमारा क्या बना, गुलाब। ठीक है, ये छोटे छोटे वर्ण विच्छेदन है, ये लोग ये सब आप लोग छोटे क्लासेस में भी
किए हैं, है ना। अब आप लोग फिफ्थ में आ गए हैं, तो ये छोटे छोटे वर्ण विचार बहुत आप लोगों को बहुत आसान लगता होगा, क्योंकि हम लोग छोटे क्लासेस से इसको करते आ रहे हैं। अब आगे देखिए बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए सभी शब्द अनेक वर्णों से मिलकर बने हैं। इन वर्णों का निश्चित अर्थ है। यदि हम इन वर्णों को क्रम बदल दें तो इन शब्दों का रूप भी बदल जाएगा। जैसे अगर हम इनको उल्टे पुल्टे तरीके से लिख दें तो इसको पढ़ने में भी हमें दिक्कत आएगी और उसका कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। जैसे ता ब की, तब की, क्या हुआ, ताब की कोई मतलब नहीं है। चागीब कोई मतलब नहीं है। बा ला गु, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो उसको सुव्यवस्थित तरीके से लिखना भी हमें आना चाहिए। प्लस सिर्फ हमें जोड़ देने से नहीं होगा, उसे सुव्यवस्थित तरीके से लिखना और एक सार्थक शब्द प्राप्त करना, इसी को कहते हैं शब्द, ठीक है। इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा, इसलिए शब्द के निर्माण में वर्णों का सही क्रम में लिख रखना अत्यंत ही आवश्यक है, जो मैंने इसके पहले आपको बताया है कि वर्णों को हमें उल्टा पुल्टा जोड़ने मात्र से ही हमारा कार्य संपन्न नहीं होता। हमें उसको सुव्यवस्थित तरीके से लिख कर एक शब्द का रूप देना है जिसका कोई अर्थ हो, पढ़ने में भी हमें वो कोई ढंग का शब्द लगे और उसका एक अर्थ होना चाहिए, तभी हमारा वो शब्द का रूप लेता है। अब इसे शाब्दिक तरीके से लिखते हैं, अगर परिभाषित तरीके से, तो वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द के भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्दों को तीन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। शब्द एक उत्पत्ति के आधार पर, एक रचना या बनावट के आधार पर और तीसरा प्रयोग के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे पहला नंबर उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ओके। तत्सम शब्द क्या है। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे प्रयोग किए जाते हैं, ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सत्य, ग्राम, हस्त, दुग्ध, दही, सूर्य, अग्नि, ओष्ठ, ओटक आदि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो थोड़ा परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि इसको हम ज्यों के त्यों लिख देते हैं और तद्भव में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे घृत से घी, सत्य से सच, सर्प से सांप, दही से दही, कर्ण से कान, रात्रि से रात, दुग्ध से दूध, ठीक है। ये हमारे हो गए हिंदी के शब्द और ये हमारे हो गए संस्कृत के शब्द। इसलिए कहा गया है कि संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों लिख देते हैं उसे तत्सम कहते हैं और तद्भव में हम उसको थोड़ा सा परिवर्तन पे लाते हैं। अब देशज, वे शब्द जो देश में प्रचलित विभिन्न भाषा व बोलियों में हिंदी में पाए जाते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, पगड़ी, झाड़ू, खिड़की, पैसा आदि, ठीक है। ये सारे शब्द क्या हैं, देसी शब्द जो हमारे रोज़मर्रा के भाषा में हम लोग इसको यूज़ भी करते हैं और ये देसी शब्द कहे जाते हैं। विदेशी शब्द, वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में लाए गए हैं। जैसे स्टेशन बोलने से ही मालूम पड़ा है कि ये विदेशी शब्द है, लेकिन इसको हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। स्कूल को अगर हिंदी में हम लोग प्रयोग करेंगे देशज भाषा में तो इसे विद्यालय कहा जाता है, पाठशाला कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश का ये वर्ड स्कूल। नमक,
आलू, बंदूक, रुमाल, तौलिया आदि, ये सब विदेशी शब्द हैं। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, एक रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यदि उनके टुकड़े किए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे कवि, फूल, कुर्सी, रात, घर, हाथ आदि। इनके अगर हम और टुकड़े करेंगे तो हमारा कोई दो टुकड़े तो हो जाएंगे लेकिन इन टुकड़ों का कोई अर्थ, अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे सपोज हम कवि को टुकड़ा करते हैं तो का अलग हो जाएगा, वी अलग, और दोनों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है, और दोनों को जब अगर हम जोड़ देंगे तो उसका एक अर्थ हो जाएगा कवि, यानी जो कविता लिखते हैं। यौगिक शब्द, योग का अर्थ है जोड़, अर्थात वे शब्द जो शब्दों के जोड़ से बनते हैं से यौगिक शब्द कहते हैं। योग करना, हम लोग इसे जिस तरह हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं योग, प्लस माइनस, है ना, तो योग करना, दो शब्दों को जोड़ना। यदि इन शब्दों में खंड किए जाएं तो प्रत्येक खंड का कोई ना कोई अलग अलग अर्थ अवश्य होता है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस मंत्री, शयन कक्ष, शयन प्लस कक्ष, रसोई घर, रसोई प्लस घर, रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, उसी तरीके से है स्नान घर, स्नान प्लस घर। ठीक है, अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो प्रधान का भी अलग अर्थ है और मंत्री का भी अलग अर्थ है, शयन का भी अलग अर्थ है, कक्ष का भी अलग अर्थ है, रसोई का भी अलग अर्थ है और घर का भी अलग अर्थ, रेल का भी अलग अर्थ और गाड़ी का भी अलग अर्थ है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द वे शब्द जो दो शब्दों को जोड़कर बनते हैं। यहाँ हमने तोड़ने की बात सीखी, यहाँ हमने जोड़ने की बात सीखी। ठीक है, और इसको यूं ही लिख देना है। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, किंतु ये सीधा अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देते हैं। ठीक है, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनता और उसका नया अर्थ होता, तोड़ेंगे तो दो अलग अलग अर्थ होंगे, किंतु इनको अगर हम तोड़ेंगे, इन शब्दों को अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो एक नया अर्थ वाला शब्द बनता है। जैसे गज प्लस आनन यानी गजानन, हाथी के मुख वाला अर्थात गणेश। ठीक, नीला प्लस कंठ, नील कंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव। जल प्लस ज इक्वल टू जलज, जल में जन्मा अर्थात कमल, कमल जल में रहता है ना। दस प्लस आनंद इक्वल टू दसानन, दस मुंह वाला अर्थात रावण। ओके, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक है विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन अथवा काल के कारण विकार अथवा परिवर्तन आ जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द होते हैं, जिनमें लिंग, वचन और काल के कारण कुछ परिवर्तन उसमें आता है, विकार होता है या कोई परिवर्तन आता है, वे हो गए विकारी शब्द। ठीक है, उसी तरह उदाहरण पे दिया गया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द हैं। अब अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन अथवा काल के कारण विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक अविकारी शब्द हैं। ठीक है।
विकारी तथा अविकारी शब्दों के बारे में हम इसमें आगे भी पढ़ाया जाएगा। ये आपको इसके खंड के बारे में पढ़ाया गया है। ओके, अब इतने छोटे चैप्टर में हमने सीखा क्या, इस चैप्टर का सार क्या है, ठीक है। आइए, इस चैप्टर में हमने जो जो पढ़ा है उसको एक बार हम फिर दोहराएंगे। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों को तीन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। ये क्वेश्चन आंसर है बच्चों, इसको मैं आप लोग को पीडीएफ द्वारा भेज दूंगी लिख करके, तब आप लोग कॉपी में राइट कीजिएगा। ये चलिए हम लोग आगे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का भेद नहीं है, तत्सम, यौगिक, तद्भव और देशज। कौन सा भेद नहीं है, यौगिक भेद, यौगिक शब्द, ये भेद नहीं है। संस्कृत भाषा में थोड़ा परिवर्तन होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं कौन से, तत्सम, देशज, विदेशी या तद्भव, तद्भव शब्द अभी हमने पढ़ा ना। योग रूढ़ पहचानिए, पंकज, रसोई घर, पाठशाला, विद्यार्थी। इन तीनों को हम अगर तोड़ते हैं तो इनका अलग अलग भी अर्थ है, लेकिन पंकज को अगर हम तोड़ते हैं तो इसका कोई अलग अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है, इसलिए पंकज। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन अथवा काल के कारण विकार या परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं, विकारी, योगरूढ़, तत्सम या अविकारी, अविकारी होगा, ठीक है। उचित शब्द में शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्णों के सार्थक मेल से डैश यानी शब्द बनते हैं। डैश शब्द देश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं और बोलियों में आए हैं, यानी देशज। योग शब्दों के योग से बनने वाले शब्द डैश शब्द यानी यौगिक शब्द कहलाते हैं। नीलकंठ एक योग रूढ़ शब्द है। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। ये देखिए फिल किया हुआ है, जब पिक्चर से जाएगा आपके पास तो आप इसको जूम कर देख के इसको राइट कर लीजिएगा। ओके, आइए अभी ये हमें मिलाना है तत्सम अथवा तद्भव शब्दों के रूप को उदाहरण के अनुसार मिलाइए। हम इसे मिलाएंगे नहीं, नंबरिंग करेंगे। ओके, हमने सिखाया था ना नंबरिंग। हस्त, हस्त यानी हाथ। दंत, दंत यानी दांत। दही यानी दही। मयूर यानी मोर। सूर्य यानी सूरज। ओके, अब सही कथन पर शा या गलत कथन पर गा लगाइए। यदि हम वर्णों का क्रम बदल दें तो शब्दों का भी रूप भी बदल जाता है। सा यानी सही, ये देखिए सा, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, सही, सा। तत्सम शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, गलत, गा। ओके, हिंदी में प्रयोग नहीं किया तो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। ओके, दशानन योगरूढ़ शब्द है जिसका अर्थ है दस सिरों वाला अर्थात रावण, सा यानी सही, ठीक। क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक आविकारी शब्द हैं, सा यानी सही। ओके, अब ये खेल खेल में है, इसे भी हमें करना है। हम इसे बुक में भी फिल करेंगे और कॉपी में भी राइट करेंगे, ठीक। नीचे बनी वर्ग पहेली में से दिए गए शब्दों के निर्देशानुसार शब्द ढूंढकर लिखिए। ये पहेली आप लोग कॉपी में मत बनाइएगा, आप लोग ऐसे बनाइएगा, ठीक है। शब्द, उत्तर और ये निर्देश, ठीक है। नीचे
बनी वर्ग पहेली में से दिए गए शब्दों के निर्देशानुसार शब्द ढूंढकर लिखिए। ये पहेली वर्ड काट दीजिएगा, उसके बाद पूरा राइट कर दीजिएगा। नीचे बनी वर्ग पहेली, यहाँ से नीचे यहाँ से कट कर दीजिएगा और इतना कट कर दीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों के निर्देशानुसार शब्द ढूंढकर लिखिए, ठीक है, इतना ही राइट करिएगा, इसको यहाँ तक कट कर दीजिएगा। और ये वर्ग पहेली मत बनाइएगा कॉपी में, हमें ये एक्सरसाइज भी कॉपी में करनी है और ये एक्सरसाइज भी कॉपी में करनी है, ठीक है। अब जीत, हम इसका विलोम लिखेंगे। हार, आग पर्यायवाची, अग्नि बादल पर्यायवाची, जलधर सफल विलोम, असफल हानि विलोम, लाभ अंबर पर्यायवाची आकाश, आदान विलोम प्रदान, दरिद्र पर्यायवाची गरीब। ओके, इसके बाद नीचे निम्नलिखित को जोड़कर यौगिक शब्द बनाइए। अब स्नान है प्लस ये घर दिखाया गया है, तो बना क्या, स्नान घर, ठीक। बादल प्लस, ये बादल है यानी मेघ, मेघ प्लस आलय, मेघालय, ठीक। जय प्लस माला, ये माला है मोतियों की, जय माला। ओके, ये पिक्चर भी आप लोग बनाइएगा, यानी कि आप लोग को कॉपी में एक्सरसाइज के रूप में आप लोग को करना है का, खा, गा, और ये है घा। इसके बाद ये हेडिंग डालिएगा खेल खेल में, और इतना आप नहीं राइट करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने लिख दिया नीचे, ठीक है, आप इसके बाद से ही लिखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के निर्देशानुसार शब्द ढूंढकर लिखें, ये आप कॉपी में नहीं बनाएंगे, मैंने कट कर दिया है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद खा नंबर डालेंगे, ये राइट करेंगे प्लस, और ये पिक्चर बनाएंगे तब ये ही स्नान घर बनेगा, ठीक है। ये का और खा आपको कॉपी में भी करना है, ठीक है। मेरे आप लोग के पास जो पिक्चर जाएगा उसे जूम करके देखिएगा, उसके बाद ये सब बुक में भी फिल कीजिएगा और कॉपी में भी राइट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन आंसर, इसके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और हिंदी फर्स्ट के भी क्वेश्चन आंसर जो हैं, सेकंड चैप्टर के फसलों का त्यौहार, वो चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर आपके पास पीडीएफ द्वारा पहुंच जाएंगे, आप उसको भी देखकर कॉपी में राइट कीजिएगा। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो बच्चे हम लोगों के साथ नहीं चलेंगे, चलेंगे मतलब क्या, हम चलने के लिए बाहर निकलने के लिए नहीं कह रहे हैं आपको कि घर से बाहर निकलिए मेरे घर आ जाइए, हम ये आपको नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वर्क आपको दिया जा रहा है उसको उसी दिन कंप्लीट करके छोड़ दीजिए, नहीं तो आप लोग संडे के दिन पहले वर्क कंप्लीट करते हैं तब उठा करके फ़ोटो डालते हैं, इससे आप लोग का वर्क जो है 2 बजे के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाता है, अक्सर मैंने देखा है। बाद में 12 बजे के बाद बहुत पिक्चर्स आते हैं बाद में, लेकिन जो बच्चे पहले से वर्क किए रहते हैं वो शुरुआत में ही 8 बजे जैसे ओपन किया जाता है साइट, वैसे ही अपना होमवर्क 10 बजे तक डाल देते हैं। 10 बजे तक जो होमवर्क डाल देंगे मैं समझ जाऊँगी बच्चे पहले से होमवर्क किए हुए हैं। जितने होशियार आप लोग हैं उससे ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा होशियार हम लोग भी हैं, ठीक है। तो हम लोग को बेवकूफ़ मत समझिए, आप लोग की हर चाल को हम लोग समझ जाते हैं, घर बैठे इतनी दूर हैं लेकिन हम लोगों का लिंक इतना अच्छा है, दिल का कनेक्शन इतना अच्छा है कि हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है। इसलिए जिस दिन का वर्क है उसको उसी दिन कंप्लीट कीजिए, आपका वर्क देर से आएगा हम समझ जाएंगे कि आप उसी दिन राइट किए हो, संडे को ही राइट किए हो, संडे को ही डाले हो। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो आप लोग पूरा नहीं देख रहे हैं, मैं हर वीडियो में कह रही हूँ वीडियो आप लोग पूरा देखिए, उस दिन गौरव सर भी आप लोग को कहे थे, है ना, इसी कारण सब टीचर्स आप लोग को कह रही हैं, हम लोग को पता चल रहा है आप लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, पीडीएफ देख के क्वेश्चन आंसर राइट कर दे रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इस तरीके से वीडियो किसी स्कूल की टीचर्स नहीं बना रहे, जिससे हम लोग आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारी मेहनत को नहीं समझ रहे हैं। आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए तभी आपको लेसन पूरा समझ में आएगा, तभी क्वेश्चन आंसर राइट कीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाय।